तो मैं किरण आप सबका दोस्त होस्ट आज बताने वाला हूँ दोस्तों कुछ ऐसी बातें जो ट्रेन और आधार से जुड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, इस वीडियो में बताऊंगा क्या है वो चीज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, वीडियो अपडेट आप सबको मिलता रहे। पहली बात दोस्तों, बता के बोल के थक गया हूँ मैं कि थर्ड पार्टी चीज या थर्ड पार्टी से कोई भी चीज यूज नहीं करना चाहिए। पहला बात रेलवे का बता देता हूँ, रेलवे में क्या हो रहा है, आप जब टिकट बुक करते हो IRCTC से ही बुक करना, ये ध्यान में रखो। पहले बता दे रहा हूँ IRCTC से ही रेलवे का टिकट जो वगैरह है वहाँ से ही बुक करना, थर्ड पार्टी किसी भी वेबसाइट से बुक मत करना, क्योंकि आपका डेटा लीक हो सकता है, बहुत कुछ होता है, रेलवे से ऐसी खबर आ रही है। अब बाकी का बोलोगे थर्ड पार्टी से क्यों हम नहीं करें भाई, इसमें ईजी होता है, भाई ईजी होता है मानता हूँ। IRCTC जैसे ही बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसमें आप रेलवे का बुक कर सकते हो, बट उसमें डेटा लीक होने का चांसेस है। मान लो आपका कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ सब कोई यूज़ करते हैं, रगड़ लेते हैं सिस्टम को पूरा, ऐसे सिस्टम में बिल्कुल भी आप टिकट बुक ना करें, क्योंकि वो सब यूज़ करते हैं, वहाँ से भी डेटा लीक हो सकता है। और बाकी और एक बात, आप किसी भी पब्लिक वाईफाई से या किसी भी हॉटस्पॉट से, प्राइवेट हॉटस्पॉट से अपना छोड़ के किसी भी प्राइवेट वाईफाई से आप लिंक करते हो तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तभी भी IRCTC से भी और कोई साइट से भी अगर बुक करते हो, या तो IRCTC ट्रेन टिकट ले लो या मूवीज़ का टिकट ले लो, कोई भी टिकट अगर बुक करते हो तो मत कीजिएगा, मतलब बहुत ही रिस्की है, क्योंकि डेटा लीक होने के चांसेस बहुत है। क्योंकि अब डेटा आपके पास तो रहेगा नहीं, बाकी लोग जो डेटा चुराएंगे उनके हो जाएंगे मजे और आपको मिल जाएगा सजा। क्या कर सकते हैं, सजा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने गलती किया है तो उसे सजा मिलेगा मिलेगा। ट्रेन टिकट या रेलवे कोई भी बुक करते हो तो IRCTC से ही करो, उनके उनके ही जो वेबसाइट वगैरह हैं उन्हीं से ही बुक करो तो अच्छा रहेगा, थर्ड पार्टी से कोई भी चीज़ मतलब बुक मत करना, और पब्लिक वाईफाई से या प्राइवेट किसी की वाईफाई से ये सारा कुछ मतलब बुक वगैरह मत करना, ये ध्यान रखें। रेलवे की ओर से ये वाला है, और जो दूसरा वाला खबर मैं बताने वाला हूँ वो आधार के ऊपर है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस वगैरह आप अपने देखे होंगे, फिर भी बता दे रहा हूँ। आधार में दोस्तों जो प्लास्टिक कार्ड जो बना रहे हो 50-200 रुपये के, एक डिज़ाइन दिखेगा अच्छा, आप ओरिजिनल आधार कार्ड घर पे रखते हो वो मत करना, क्योंकि उसमें UIDAI ने बोला है उसमें जो कोड रहता है वो बारकोड का जो स्कैन होता है वो स्कैन सही से नहीं हो पा रहा है और आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसमें मतलब जो उसका जो बारकोड रहता है सही से प्रिंट नहीं हो पा रहा है और जो सेंसर रहता है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल में जितना है जो आपको मिले हैं उसी हिसाब से एक A4 शीट में वहाँ से डाउनलोड कर लो, उसमें से हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या हुआ रहा, प्लास्टिक कार्ड में ले जा रहे हैं बहुत 50-200 रुपये आराम से डिजाइन करके दे दे रहे हैं, बट उसमें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है वो वाला ध्यान रखा। UIDAI ने खुद बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, UIDAI ने खुद बोला है कि जो प्लास्टिक कार्ड यूज़ कर रहे हो वो बंद कर दो, या तो आप प्रिंटेड कर दो ऑनलाइन मतलब जो आपके पास है ओरिजिनल वाला, या तो उनको काट के आराम से दे दो उनको, उसमें से काम चलेगा, बट उसमें मत करना, या तो जेरोक्स ही कर दो, जेरोक्स में भी डिटेक्ट कर लेता है बट प्लास्टिक कार्ड में डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये दो चीज़ें बताऊँ, यह रेलवे का और आधार का दोनों एक साथ ही है, मतलब ना किसी पब्लिक वाईफाई से या कहीं से भी पर्सनल के लिए सिस्टम से बैठ के भी ध्यान से IRCTC का बुक कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। और बाकी रहा आधार कार्ड का प्लास्टिक का जो डिज़ाइन में बना दे रहे हो, मुसीबत तो आप लोगों को होगा, प्रॉब्लम आप लोगों को होगा, मैंने भी खुद ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई करके बताया हूँ, मैंने भी एक ट्राई करने के लिए बनाया था 50-60 रुपये दे के कार्ड, तो उसमें जब डिटेक्ट कर रहा था डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था सही, ओरिजिनल में एक झटके में डिटेक्ट कर दिया, वो वाला बनाओ आराम से डिटेक्ट करेगा काम करेगा। रुक गया थोड़े जाने दो, हड़बड़ी सी गई है जल्दी, तो एम्बुलेंस नहीं है भाई उसका चला गाड़ी, तो डिटेक्ट कर लेता है। तो रेलवे का जो है अलग अलग उनका IRCTC जो उसी से ही बुक कीजिएगा और कहीं से ही बुक मत कीजिएगा। ये दो चीज़ें बताया हूँ, ध्यान में रखिएगा, मुसीबत मत पड़िएगा, एक 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 है बुक करने के लिए और एक आधार का जो प्लास्टिक कार्ड बताया, दो चीज़ ध्यान में रखना। और
अगर ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो दिया हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। आप लाइक करिए बने चले जाते हो और कमेंट जरूर करना, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ता हूँ कमेंट। और हो सके चैनल नया दोस्तों निवेदन चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।